है गाइस, तो आज मैं बनाने वाली हूँ उत्तराखंड का रेसिपी। तो उत्तराखंड का चौसर का साग बनाने वाली हूँ, चौसर का दाल। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले उड़द की दाल। तो उड़द की दाल को हमने अच्छे से धो के सुखा लिया है, और इसको सुखा के अब इसको मैंने कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बनानी है, तो भून लिया है। तो अब ये लिया है हमने कटोरी में हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और साबुत धनिया। तो और धनिया का पत्ता हो तो वो भी ज़रूर लीजिए। तो उसकी तो हमें पेस्ट बनाना है, और इसको भी भून के अलग से रख लेना है। तो ये देखिए, जब तक कि लाल ना हो जाए और खुशबू भी सौंधी सौंधी आने लगती है, तो तब इसको निकाल लेना है। और ये पीस लिया है मैंने, तब तक ये हमारा भून रहा था, तो ये भून गया है, तो अब हमने निकाल लिया है। तो अब कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, सरसों का तेल डालेंगे थोड़ी सी चुटकी भर, और थोड़े से सरसों के दाने डालेंगे, और फिर थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और सूखी लाल मिर्च 3 से 4 साबुत, और थोड़ी चुटकी भर हींग डालेंगे, और इन सबको चटका लेना है। और चटकाने के बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने अभी लिया था, पिसा था मसाला, वो डालेंगे, और फिर इसको अच्छे से भून लेना है। और भूनने के बाद इसमें हमें डालना है जो उड़द की दाल अभी हमने भून के पीसा था, उसका पाउडर बना लिया था, इसको भी डाल देना है। और डालने के बाद इसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा डालना है, तो आटा ज़रूर डालें। तो इन सबको डाल के अब अच्छे से इसको भून लेना है, और भूनने के बाद इसमें पानी डाल देना है। तो ये देखिए, तो ये भून चुका है लगभग, क्योंकि पहले ही हमने सब कुछ को भून दिया था, तो ज़्यादा इसलिए नहीं भूनना अभी, बस अच्छे से मिल जाए सब कुछ। और मसाला तो भून ही चुका है, तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और स्वाद अनुसार और मिर्च अगर आप खाते हो तो आप ऐसे डाल सकते हो, नहीं तो पीस के डाल दिया था। तो अगर आप तेज़ खाना है तो थोड़ा सा ऊपर से डाल दे। तो ये हमारा चौसर का दाल और चावल तैयार है। तो आपको कैसी लगी उत्तराखंड की ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये दाल। तो आपको